बिरयानी बनाना इजी हो सकता है लेकिन क्विक नहीं। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने गोश्त को साफ करके फ्रिज में रख देना है। मैं फ्रोजन मीट यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसे डिफ्रोस्ट होने रख दूंगी। 1 kg चिकन लिया है। इसके बाद साबुत गरम मसाला लिया है जिनमें 1 खाने का चम्मच है जीरा, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च, 3 लौंग, 2 बादयान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 सबज इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पात। फिर कर लेंगे साबुत गरम मसाले को ड्राई रोस्ट। आप टाइम सेव करने के लिए रेडीमेड गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसे ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेंगे। जो लोग तो झटपट बिरयानी बना लेते हैं भाई, सलूट है उन्हें। मुझे तो मिनिमम 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन जब एंड प्रोडक्ट इतनी मज़े की हो तो मेहनत करने का भी मज़ा आता है। मैं यूज़ कर रही हूँ गार्ड के अल्टीमेट नेचर्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस। गार्ड के जितने भी राइस आते हैं उनमें से ये मुझे बेस्ट लग रहे थे। बना के चेक करते हैं बेस्ट हैं भी या नहीं। इन्हें धो के 1/2 घंटे के लिए भिगो देंगे। एक कप ऑयल लिया है मैंने, उसमें तकरीबन 350 ग्राम्स प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 1/2 किलो से कम प्याज लेना है आपने। 1/2 प्याज जाएगा कोरमे में और 1/2 प्याज हम बिरयानी की लेयर्स में यूज़ करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, इसे निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल में चिकन डाल के उसे कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें बिरयानी बनानी नहीं आती होगी, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जिसे बिरयानी पसंद ही नहीं होगी खाने में? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई होगा। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा ऑयल में भून के उसका कच्चापन दूर कर लेंगे। मैंने जो पेस्ट यूज़ किया उसमें 7 हरी मिर्चें भी ग्राइंड हुई हुई हैं। 1 किलो टमाटर लिए हैं मैंने और उनके छिलके उतार लिए हैं। आप चाहें तो ना उतारें, ग्राइंड होकर इतना पता नहीं चलेगा। इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। जो प्याज गोल्डन ब्राउन किया हुआ था उसमें से 1/2 प्याज इसमें डाल देंगे और साथ ही आपने 4 से 5 हरी मिर्चें डाल के इन सबको ग्राइंड कर लेना है। फिर इसे चिकन में ऐड कर देंगे। पाकिस्तान में जब कोई ख़ास मौका हो तो हम बिरयानी बनाते हैं, या फिर जब बिरयानी बन जाती है तो फिर हम खुशियाँ बनाते हैं। हमारे लिए बिरयानी इज़ इक्वल टू हैप्पीनेस है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले जिनमें नमक है 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च है 1/2 खाने का चम्मच, गर्म मसाला पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच और धनिया पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच। आपने नमक और सुर्ख मिर्च पाउडर को पहले कम क्वांटिटी में डालना है और फिर टेस्ट करके बैलेंस कर लेना है, क्योंकि कुछ सुर्ख मिर्च पाउडर कम तीखे आते हैं, कुछ ज़्यादा तीखे आते हैं। इसलिए मैंने जितनी क्वांटिटी यूज़ की है मैंने आपको बता दी है। अब इसमें जाएगा आलू बहारा। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके चिकन को 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। इसके बाद हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। 1 किलो चावल उबालने के लिए 4 से 5 खाने के चम्मच नमक जाएगा, तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी में। पानी में नमक का टेस्ट आना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा जीरा और कुछ गरम मसाले ऐड कर दें और थोड़ा ऑयल ऐड कर दें। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसे एक दफ़ा हिला देंगे। चावलों को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर फ़ौरन ही इसे स्ट्रेन कर लेना है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं चावलों को उबलते हुए, तकरीबन 80% ये डन है। कोरमा भी हमारा तैयार है। इसके ऊपर जो ऑयल आया हुआ है वो उतार लेंगे और इसके अलावा मज़ीद 3 टेबलस्पून ऑयल और डाल के वही हम चावलों की लेयर्स में यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेस में जाएगा थोड़ा ऑयल, फिर चावल, फिर कोरमा, फिर ब्राउन हुआ हुआ प्याज और फिर धनिया पुदीना, और फिर वही स्टेप्स रिपीट होंगे। अगर आपने लेयर्स लगानी है तो जिस पतीले में आप चावल बॉईल कर रहे हैं वो भरा लें। चावल स्ट्रेन करने के बाद उसी में लेयर्स लग जाएंगी। और अगर आपने कोरमे के ऊपर सारे चावल एक ही दफ़ा डाल देने हैं तो फिर जिसमें आप सालन पका रहे हैं वो वाला भरा लें। बाकी बचा हुआ ऑयल ऊपर से डाल देंगे। फिर जाएगा इसमें येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर येलो फूड कलर से कंपैरेटिवली कम जाएगा। ऊपर से डाल दें बचा हुआ धनिया पुदीना। अब हम इसे दम पे रखेंगे। शुरू में आपने इसे हाई फ्लेम पे रखना है। जब अंदर स्टीम बन जाएगी तो फिर इसे 12 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है। और ये रेडी है हमारी बिरयानी। अब इसे मिक्स करेंगे।
अगर तो आप एक्सपर्ट हैं बिरयानी बनाने में तो टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो 2-3 दफ़ा अपने हाथ की बनी बिरयानी खा के आपका दिल टूट सकता है, बट नेवर गिव अप, यू कैन डेफिनेटली डू इट। चावल भी आप देख सकते हैं सही खिले खिले बने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिरयानी के डूज एंड डोंट्स भी बताइएगा, बिरयानी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में बिरयानी को चटपटा तो ज़रूर होना चाहिए। बच्चों को तो अक्सर बिरयानी में साबुत गर्म मसाले से मसला होता है, लेकिन मुझे साबुत गर्म मसाला देखने में अच्छा लगता है बिरयानी में। बस सबसे इलायची ना हो कभी बिरयानी में और ना ही कभी मुँह में आए। अब हम करेंगे बिरयानी को टेस्ट। फुल चटपटी सी करके मैंने अपनी प्लेट बनाई है, करते हैं फिर बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी है, आई एम द लकीस्ट वन। फर्स्ट बाइट में ही आलू बाहर आया मुंह में। चिकन भी आप देख सकते हैं सही से गल गया हुआ है, बिल्कुल इजीली टूट रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।